हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आपके लगातार कमेंट्स पे आज आपके सामने क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भोली और उसका करेक्टर स्केच, जो लगभग हर एक साल गैप करके पूछा जाता है, लेकर के मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ इसे आप ज़रूर पसंद करेंगे, और यदि अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, भोली एक बहुत ही सिंपल लड़की थी, लेकिन सेंसिटिव गर्ल थी। ये भोली का दुर्भाग्य था कि जब वह छोटी थी, बिस्तरे से गिर पड़ी और उसके सिर में चोट लग गया। इसके अलावा उसे चेचक, स्मॉल पॉक्स हो गया था, और इस तरह से पूरे जीवन भर ये कष्ट वह झेली। चेहरा बहुत भद्दा हो गया था। वह जब 5 साल की हो गई, तब तक अच्छी तरह बोल नहीं सकती थी। जब भी वह बोलती थी तो हकलाती थी। स्मॉल पॉक्स का जो अटैक उसके पूरे शरीर पे हुआ था, उसने उसके चेहरे को बहुत बदसूरत बना दिया था। वह बहुत डेडिकेटेड लर्नर थी। अपने अध्यापक के सपोर्ट के कारण उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। वह बहुत बोल्ड हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, और टीचर का ये जो फेथ है, टीचर का जो विश्वास, उसके अंदर उसकी एबिलिटी को बढ़ा दिया, और वह स्वयं में इम्प्रूव करना शुरू कर दी। इतना इम्प्रूव हुआ उसके अंदर कि उसका जो कॉन्फिडेंस और बोल्डता है वो इतना बढ़ा कि उसकी स्टेमरिंग की जो आदत थी वो समाप्त हो गई। यही कारण है कि उसने इसी के बलबूते ये सिद्ध कर दिया कि वह वाकई एजुकेटेड है, सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला जुला करके यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भोली लेसन से समाज को एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन, कि वह भोली जो कुछ बोल नहीं सकती थी, समाज के द्वारा उपेक्षित थी, जिसके चेहरे की तरफ कोई देखना पसंद ही नहीं करता था, सभी लड़के उसके इस रूप को देख करके उसे भगने की कोशिश करते हैं। उसने एक लालची आदमी से शादी करने से इनकार कर दिया। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ और करेक्टर स्केच का कुछ प्रारूप डाल दिया है। सुलेखा भोली, फिर नंबरदार रामलाल जो उसके पिताजी रहते हैं, राधा इल्डेस्ट डाटर ऑफ रामलाल, मंगला सेकेंड डाटर ऑफ रामलाल, चंपा द थर्ड डाटर ऑफ रामलाल, तहसीलदार साहब एक टैक्स ऑफिसर हैं, स्कूल की लेडी टीचर, और विशंबर नाथ उसका होने वाला पति। इस तरह से यदि आप इस पर ध्यान दें तो पूरा का पूरा लेसन और सारे के सारे करेक्टर आपके समझ में आ सकते हैं। इस तरह से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं और तैयार कर लें, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। परीक्षा में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन से आप रूबरू हो जाएं, वाकिफ हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।